स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हो क्या रहा है, आजकल कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और वो लोग प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बताऊंगा कि अगर आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन सी सेटिंग है जिसे करने के बाद आप आसानी से प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में। तो हम यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आपका एक प्रोफाइल आइकन दिखाई देता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे कुछ फीचर आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा, ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर वाईफाई सिलेक्ट है या फिर आस्क मी एवरी टाइम सिलेक्ट है, आपको केवल यहाँ पर एवरी एनी नेटवर्क पर क्लिक करना है। इससे होगा क्या, जो आप डाटा अपने मोबाइल में डलवाते हैं, जो आप रिचार्ज करवाते हैं, आपका वही नेट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में यूज होगा। अब हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो तरीका है, प्ले स्टोर में अगर आपसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ फीचर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर माई एप्स एंड गेम्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो सभी एप्लीकेशन दिखाई देंगे जिन एप्लीकेशन के अंदर अपडेट वगैरह आई है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐसे एप्लीकेशन पर ध्यान देना है जो एप्लीकेशन पेंडिंग में है। कभी कभी होता क्या है, हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं और हमारे पास एप्लीकेशन पेंडिंग में चले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में आता हूँ, किसी एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है और अगर हम यहाँ पर इंस्टॉल में जाते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। कई बार होता क्या है, कोई एप्लीकेशन हमारा पेंडिंग में चला जाता है, वो इंस्टॉल नहीं होता है, और जब वो एप्लीकेशन पेंडिंग में होता है तो उस दौरान हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो एप्लीकेशन भी पेंडिंग में चला जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से पेंडिंग में से उस एप्लीकेशन को हटाने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये तरीका भी काम नहीं करता है तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से बाहर आ जाना है और अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में आ जाना है। अब यहाँ पर आप प्ले स्टोर का एक आइकन देख रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर के आइकन पर टच करके होल्ड करके रखना है और आपके सामने यहाँ पर कुछ फीचर आ जाएंगे जैसे सिलेक्ट, रिमूव या फिर डिसेबल, और ऊपर आपको यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का आई का आइकन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आई के आइकन पर क्लिक करना है और आई के आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर प्ले स्टोर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हमारे सामने फीचर आ चुके हैं। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर स्टोरेज फीचर ढूंढना है। स्टोरेज फीचर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा जो प्ले स्टोर है वो क्लियर हो चुका है। अब हम अगर प्ले स्टोर में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आसानी से कोई भी एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर में इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और हम यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कुछ ही समय बाद हमारी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग में है, लेकिन पेंडिंग में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, कुछ ही समय बाद हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो हम अपने मोबाइल की सेटिंग में चलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग का फीचर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन या फिर एप्स का फीचर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में सर्च फीचर है तो आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एप्स लिखना है। जैसे आप यहाँ पर एप्स लिखेंगे तो एप्स फीचर यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से इसे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मोबाइल में सर्च फीचर नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर एप्स फीचर को ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ पर एप्स पर एक बार क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने वो एप्लीकेशन आ चुके हैं जो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है। हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन आ चुके हैं। या तो आप फालतू एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल में फालतू एप्लीकेशन है उसे आपको इंस्टॉल करने के लिए करना क्या होगा, एप्लीकेशन पर एक बार क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का फीचर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉल नहीं करना
करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्स प्लेयर ने हमारी 108 MB यूज कर रखी है। हम यहाँ पर मैक्स प्लेयर पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रोल करने के बाद स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद मैक्स प्लेयर से हमारा जो डाटा है वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसी तरह जिस एप्लीकेशन ने आपकी ज्यादा MB यूज कर रखी है उस एप्लीकेशन को आपको क्लियर कर देना है। जैसे कि फेसबुक ने हमारा 337 MB डाटा यूज कर रखा है, हम यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करते हैं, अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब जो हमारा फेसबुक का डाटा है वो भी क्लियर हो चुका है। अब अगर आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर से आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही समय बाद आसानी से आप प्ले स्टोर में किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।